सभी को प्रणाम। आज सभी माताओं को हमारे देश में ही जन्मे एक ऐसे महान ऋषि की कथा सुनाने का मन है, जिन्होंने गर्भ में ही सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता को हराने वाले प्रकांड पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया था, जिन्हें राजा जनक माँ सीता के पिताजी ने भी गुरु रूप में स्वीकार किया था, जिनका ज्ञान, जिनके विचार आज भी समाज को सदराह प्रदान करते हैं। आज आप सभी को ऋषि अष्टावक्र जी की जीवन कथा सुनाने का मन है। मेरा मानना है, जब हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति को ठीक से समझेंगे, तभी हम हमारी संतान तक भी वही संस्कार और वही ज्ञान पहुंचा पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। त्रेता युग का समय था। महान उद्धालक ऋषि के पास कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम कहोड़ था। वे संपूर्ण वेदों के ज्ञानी थे, इसीलिए ऋषि उद्धालक के प्रिय शिष्य थे। और शिक्षा समाप्ति के बाद ऋषि ने अपनी रूपवती और गुणवती कन्या सुजाता का विवाह उन्हीं से कर दिया। बताया जाता है, जब कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई तो वह अपनी संतान को पिता से भी अधिक महान विद्वान, एक प्रकांड पंडित और वेदों का ज्ञानी बनाना चाहती थी। इसीलिए गर्भावस्था से वैसे ही आचार, विचार, व्यवहार और ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने पति के द्वारा दी जा रही वेदों की कक्षाएं लेने लगी। बताया जाता है, एक बार गर्भस्थ बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप यह छंद गलत पढ़ रहे हैं। ऋषि कहोड़ को अपने शिष्यों के सम्मुख यह शब्द तिरस्कार भाव के लग गए। उन्होंने क्रोध में गर्भस्थ संतान को श्राप दे दिया, हे बालक, तुम गर्भ में रहकर ही मुझसे इस तरह का वक्र वार्तालाप करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 8 स्थानों से वक्र होकर अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न होगे। सुजाता ने इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया और पहले की तरह अपने संतान के शुभ पोषण में लगी रही। एक बार राजा जनक ने घोषणा की कि जो वैदिक ऋषि बंदी को शास्त्रार्थ में हराएंगे, उन्हें सहस्त्रार सोने से लदी गायें भेंट की जाएगी, पर हारने पर मृत्यु दंड मिलेगा। ऋषि कहोड़ भी वहां जाने को तैयार हो गए, पर कालवश शास्त्रार्थ में ऋषि कहोड़ हार गए। इसीलिए विजेता पंडित बंदी ने उन्हें पानी में डुबोकर मार डाला। सुजाता को जब यह सच पता चला तो उन्हें बहुत आत्मग्लानी हुई और अत्यंत दुख हुआ। तभी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। इसीलिए अब उनका नाम अष्टावक्र रखा गया। गुरुकुल में अपने नाना ऋषि उद्धालक के पास ही उनका लालन पालन हुआ। 12 वर्ष बीत गए। वैसे तो अष्टावक्र जी को गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो चुका था, पर अब उनका तेज मेधावी सूर्य के समान था। तब एक दिन अचानक उन्हें अपने पिता के वास्तविक तथ्य की जानकारी हुई। उन्होंने जब अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो माँ ने सारा वृतांत कह सुनाया। बालक अष्टावक्र को आज बड़ा आघात लगा। उसी समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस दुष्ट को परास्त करता हूँ। माँ सुजाता पहले ही पति की मृत्यु से अत्यंत दुखी थी, वह पुत्र को कैसे भेजती, पर अष्टावक्र जी नहीं माने। अंत में नाना उद्धालक का आशीर्वाद लेकर मामा श्वेत केतु को साथ लेकर मिथिला नरेश जनक के द्वार जा पहुँचे। उस समय जनक के यहाँ महायज्ञ हो रहा था। उसमें भाग लेने के लिए देश भर के अनेक पंडित बुलाए गए थे। अष्टावक्र जी सीधे दरबार के भीतर चले गए। महापंडित भीतर इकट्ठे थे। पंडितों ने उन्हें देखा, उनका शरीर 8 भागों से टेढ़ा मेढ़ा। वे चलते तो भी लोगों को हंसी आ जाती, उनका चलना भी बड़ा हास्यपद था। सारी सभा अष्टावक्र जी को देखकर हंसने लगी। जनक जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। तब अष्टावक्र जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। जनक जी को बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने पूछा, सब हंसते हैं, वह तो मैं समझ गया, पर तुम क्यों हंसते हो बालक? 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि चमड़े के पारखियों की सभा में सत्य का निर्णय कैसे हो रहा है। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। सम्राट जनक ने धैर्यपूर्वक पूछा,
दुष्ट बालक, तुम्हारा मतलब क्या है? अष्टावक्र जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई देता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है तो ये चमड़ी के पारखी हुए ना, इसीलिए ये चमार है राजन। मंदिर के टेढ़े होने से क्या भगवान टेढ़ा होता है? घड़े के टेढ़े होने से क्या उसका जल टेढ़ा होता है? जिस प्रकार आकाश निर्विकार है, उसी प्रकार चाहे मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं, मैं वह हूँ जो भीतर बसा है। इसकी तरफ देखो, मैं उस ब्रह्म का अंश सर्वसमर्थ आत्मा हूँ जो संपूर्ण है। बालक के मुख से इस प्रकार ज्ञान पूर्वक उपहास सुनकर सभी पंडित हतप्रभ और लज्जित रह गए। उन्हें अपने अहंकार और मूर्खता पर आज पश्चाताप हुआ। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, हे राजन, अब मैं आपके उस मेधावी राज पंडित से मिलना चाहता हूँ जो अन्य पंडितों को हराने पर मृत्यु दंड देते हैं। उसी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। बंदी यह देखकर उसकी नादानी पर हंसे, पर कुछ ही समय में अष्टावक्र जी ने महाअभिमानी पंडित बंदी को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अष्टावक्र जी ने कहा, संपूर्ण ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है और अपूर्ण ज्ञान ही अहंकार को जन्म देता है। शास्त्रों के ज्ञान को तुमने शस्त्र समान दूसरों के नाश के लिए उपयोग कर महापाप किया है बंदी, तुम्हें इसका दंड जरूर भोगना चाहिए। अब चारों ओर अष्टावक्र जी की जय जयकार होने लगी। राजा जनक ने भी अब ऋषि बंदी की मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। इस प्रकार ऋषि बंदी ने आज्ञा स्वीकार करते हुए कहा, इससे मेरा उपकार ही होगा, मुझे अपने पिता वरुण के दर्शन होंगे। अष्टावक्र जी की ओर मुड़कर बंदी ने कहा, हे ऋषि अष्टावक्र, आप महान हैं, सूर्य के समान दीप्यमान आपकी मेधा है और अग्नि के समान आपका तेज है। मैं चलते समय आपको वरदान देता हूँ कि इसी क्षण आप अपने स्वर्गीय पिता कहोड़ और सभी पूर्व ब्राह्मणों को जीवित अवस्था में उसी प्रकार नदी से बाहर निकलता हुआ पाएंगे। तब सारी सभा जल की ओर गई और देखा कि सारे ऋषि उनमें से एक एक करके बाहर आ रहे हैं। राजा जनक ने भी सभी की वंदना की और प्रसन्न होकर सबको बहुमूल्य उपहार देकर विदा किया। ऋषि कहोड़ अब अष्टावक्र और श्वेत केतु को साथ लेकर पुनः उद्धालक ऋषि के आश्रम आए। कहोड़ ने पत्नी सुजाता और अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। तब अष्टावक्र जी और उनकी माँ ने जाकर उस नदी में स्नान किया। उसी क्षण उनका कुबड़ापन दूर हो गया, वह सुंदर शरीर वाले युवक की तरह जल से बाहर निकले। राजा जनक भी अष्टावक्र जी के ज्ञान से अब अत्यंत प्रभावित थे, उन्होंने अब उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकारा था। राजा जनक उनसे कई सवाल करते जिसका संग्रह अष्टावक्र गीता में सम्मिलित है। इसमें करीब 20 अध्याय हैं और यह आज भी भगवद गीता के बाद अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ कुछ शब्दों में ही मैं उनकी कथा को समाप्त करती हूँ। आज उनकी कथा से हमें अनेक शिक्षाएं सीखने को मिलती है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि हर गर्भवती को सीखना चाहिए वह यह है कि ज्ञान शरीर से अलग और संपूर्ण होता है। सुजाता ने चाहा था कि उनकी गर्भस्थ संतान ज्ञानी बने और उस अनुरूप गर्भ संस्कार किया था तो वह संतान अद्भुत मेधावी और ज्ञानी बनी। पिता के श्राप के बावजूद सिर्फ शरीर टेढ़ा हुआ, उनका ज्ञान नहीं, जिसके बल पर ही आज तक हम उन्हें जानते और पूजते हैं। इसीलिए सभी माताओं से भी विनती करती हूँ कि गर्भस्थ संतान के संपूर्ण पोषण पर ध्यान दें। खान पान से शारीरिक शरीर ठीक होता है, पर अगर हम संतान को अद्भुत प्रतिभाशाली और ज्ञानवान बनाना चाहते हैं तो हमें उसी अनुरूप गर्भ संस्कार कर संपूर्ण विकास पर काम करना चाहिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।